हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल नंबर 10। गाइस, ये ऑटोकैड का ट्यूटोरियल नंबर 10 है। गाइस, इसमें आज हम बात करने वाले हैं टेबल के बारे में। गाइस जी हाँ, टेबल के बारे में आपको टेबल इंसर्ट कराना सिखाएंगे। जो आप एक्सेल शीट की जरूरत रहती है ऑटोकैड में, तो आपको एक्सेल शीट इस पे किस तरह से बनाएं, किस तरह से फॉन्ट चेंज करें, किस तरह से उसका बैकग्राउंड चेंज करें, किस तरह से आप उसका टेक्स्ट कलर चेंज करें और टेक्स्ट को अच्छी तरह से राइट करें, वो आपको डिटेल में आज बताने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो इससे पहले जो ट्यूटोरियल नंबर 1 से 9 तक आपने नहीं देखे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके वो वीडियो आप आज कर सकते हैं गाइस। जी हाँ, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने ट्यूटोरियल नंबर 9 तक यहाँ तक कवर किया है। बाकी जो है आपका ये नेक्स्ट है ट्यूटोरियल नंबर 10 में टेबल आ रहा है, ये आपके सारे ड्रा टूलबार है, ये इधर आपके मॉडिफाइड टूलबार है, तो आज इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद से आपका ट्यूटोरियल नंबर 11 से आपके मॉडिफाइड टूलबार स्टार्ट होंगे। जी हाँ, तो चलिए इसका जो यहाँ से डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसको TAB जैसे ही प्रेस करेंगे, यहाँ पे टेबल लिख के आ जाएगा, देन क्लिक कर देंगे तो इस तरह से आपका ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ से आप कुछ भी इसमें एडिट करना चाहो या कुछ भी करना चाहो, सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दें ये क्या है, स्टार्ट फॉर्म एम्प्टी टेबल। जो भी आप टेबल ब्लैंक टेबल लेना चाहते हो तो उसके लिए फॉर्म, ये आपका डाटा लिंक के लिए है, जो डाटा लिंक जहाँ से करते हो उसके लिए। गाइस, यहाँ से अपना डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और ये गाइस, यहाँ पे जो कॉलम एंड रो के बारे में है, इसका ये जो आपका कॉलम है, इसको कॉलम बोलते हैं, ये कॉलम होते हैं, इस तरह से रो होती है ये। तो ये बोल रहा है कि गाइस ये कॉलम है, कॉलम में कितनी लाइन चाहिए। एक आप कोई भी शीट बना रहे हो, एक्सेल शीट बना रहे हो, तो उस एक्सेल शीट में आपके कॉलम कितने रहने वाले हैं, तो कॉलम की संख्या है 15। और उसके बाद इसमें संख्या गाइस घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो यहाँ से। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ले ली 10 नंबर ऑफ कॉलम। नेक्स्ट है आपकी जो कॉलम की विड्थ है, मतलब चौड़ाई है ये कॉलम की कितनी रहने वाली है। तो जो भी आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में जो भी आपकी डायमेंशन यहाँ पे रहेगी, हमारी डेसिमल में है, तो यहाँ पे डेसिमल ही सिलेक्ट करेगा गाइस। नेक्स्ट है आपका डाटा रो, रो में कौन सा डाटा यूज करेंगे, रो जो है उसमें कितनी रो होने वाली है, नंबर ऑफ रो क्या है। तो यहाँ पे हम रो भी ले रहे हैं, एडिट करते हो 15 रो ले रहे हैं, 15, तो 15 रो हो गई। यहाँ से डायरेक्ट गाइस आप कम ज्यादा कर सकते हो और डायरेक्ट टाइप भी कर सकती हो। नेक्स्ट है आपकी रो की हाइट कितनी है, तो हमने रो की हाइट डाल दी आपकी 13, कि रो की हमारी इतनी हाइट है गाइस। ये लाइन्स है, लाइन्स चेंज कर सकते हो कितना गाइस, ठीक है। इसके बाद ये आपका जो है फर्स्ट रो सेल स्टाइल, तो इसमें आप जो ये रो है इनकी स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो फर्स्ट आपकी ये रो है, इसकी स्टाइल कैसे चेंज करोगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको ये डाटा डायरेक्ट बनाना है या हेडर रखना है या टाइटल रखना है। हमने डाल दिया टाइटल, तो ये टाइटल आ गया, पहले ये टाइटल आ गया गाइस। सेकंड में हमने ये सेकंड वाली रो को क्या बना रहे हैं, सेकंड रो सेल स्टाइल, तो इसको हम हेडर दे रहे हैं, तो ये पूरा हेडर आ गया है जिसमें हम अपना कोई हेडिंग डाल सकते हैं गाइस। उसके अलावा जितना भी ऑल अदर रो सेल है उसको क्या करेंगे, उसमें हमें हेडर भी मिल गया, टाइटल भी मिल गया, तो उसमें हम डाटा फिल करेंगे, इसीलिए नेक्स्ट है आपका डाटा गाइस। यहाँ से आप ओके कर देंगे। इसके अलावा और इसकी ज्यादा एडिटिंग करनी है तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, इसके बाद मॉडिफाई में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप इसके बारे में पूरा डिटेल में कलर वगैरह, बैकग्राउंड कलर, ये सारा कुछ चेंज कर सकते हो गाइस। अब ये टेबल के बारे में बता रहा है कि भाई जनरल तो है टेबल, लेकिन टेबल का डायरेक्शन क्या है, तो टेबल का डायरेक्शन इसमें गाइस डाउन है, अप टू डाउन जा रहा है, क्योंकि पहले टाइटल है, फिर हेडर है, उसके बाद डाटा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई आप अप रखना चाहते हो, डाउन रखना चाहते हो, तो अप करके दिखा रहे हैं। तो ये आपका जो है
पूरा उल्टा हो जाएगा, डाटा पहले आ जाएगा, हेडर बाद में, उसके बाद टाइटल है, तो हमें इसको डाउन ही रखना है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है आपका यहाँ से डाटा है, ये जो भी आप यहाँ से करेंगे हेडर डाटा जितना भी जिसमें भी कलरिंग वगैरह करनी है यहाँ से कर सकते हो आप, नाम वगैरह जिसका भी चेंज करना है नाम यहाँ से चेंज कर सकते हो, इस तरह से हेडर डाटा वगैरह है यहाँ से ले सकते हो। या नेक्स्ट है गाइस, ये इसकी जो लाइन है, लाइन की वेट मतलब कितनी रखनी है, मोटाई कितनी रखनी है, तो वो लाइन वेट बता रहा है, तो इसकी गाइस वाई लेयर कर सकते हो, एमएम में कर सकते हो, 0 mm से लेके आप मैक्सिमम 2.11 mm तक इसकी मोटाई इसकी वेट कर सकते हो गाइस। लाइन टाइप क्या होने वाला, आपका बाई ब्लॉक होने वाला है या बाई लेयर होने वाला है या कंटिन्यूस या अदर, आप जेविक डाइट मतलब नेक्स्ट और भी लाइनें कई तरह की आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है गाइस, आप कलर कौन सा चूज करना चाहते हो, तो कलर इसमें अभी तो वाई ब्लॉक ही है, और उसके अलावा आप यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हो, जैसे रेड कलर हो गया, येलो कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया, ये सारे कलर आपको यहाँ पे मिलते हैं गाइस, तो वाई लेयर ही रहने देते हैं अभी। तो डबल लाइन के लिए यहाँ पे अगर डबल लाइन करनी हो तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, इसका स्पेसिंग डबल लाइन का कि भाई कितना रखना है, तो डबल लाइन हमें अगर इतनी स्पेसिंग पे रखनी है 0.045, यहाँ से हटा दो 4 को हटा दो तो 4 पे रहने दो, तो इतना आप स्पेसिंग ले सकते हो गाइस। यहाँ पे शो कर रहा है कि आपका लेआउट किस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा, या इस तरह से रखना है, या इस तरह से रखना है, ये सारे लेआउट शो कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है अप्लाई द सिलेक्टेड प्रॉपर्टीज टू द बॉर्डर्स वाई क्लिकिंग द बटन अबव, तो ये बोल रहा है कि ये सारी प्रॉपर्टी है इसको अप्लाई करने के लिए आप बॉर्डर पे क्लिक करें, तो ये कोई भी अप्लाई यहाँ से बॉर्डर पे क्लिक करके आप उसको अप्लाई कर सकते हो गाइस। तो हमने इस पे क्लिक कर दिया तो ये हमारा अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आपने देख लिया ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको कलर भी जो भी रखना हो कलर, वो कलर रख सकते हो। इसके अलावा आप और भी सेटिंग्स हैं वो भी कर सकते हो। अब जैसे ये तो बॉर्डर के बारे में हो गया, बॉर्डर ये डबल लाइन आ रही है, कलर भी आप शो कर रहा है देख सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के बारे में क्या है, टेक्स्ट जो है यहाँ पे टेक्स्ट की स्टाइल क्या रखनी है, इसमें लिखा है स्टैंडर्ड स्टाइल, उसके अलावा इनोवेटिव है तो इनोवेटिव रख सकते हैं, स्टैंडर्ड रख सकते हैं। इसकी टेक्स्ट की हाइट क्या है आपकी, तो हाइट यहाँ पे 0.18 दिया हुआ है, आप कम ज्यादा कर सकते हो। नेक्स्ट आपका टेक्स्ट का कलर क्या है, इसमें ब्लू कलर डाला हुआ है, आप और कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे रेड कर दिया तो हमें ब्लू ही ज्यादा बेटर लग रहा था, ब्लू हो गया। अब ये बोल रहा है कि भाई टेक्स्ट एंगल क्या रहेगा, टेक्स्ट का एंगल हमने यहाँ पे 0 रखा हुआ है, आप इसका टेक्स्ट का एंगल भी चेंज कर सकते हो, किसी भी एंगल में कर सकते हो। इसके अलावा जनरल में आ गए, तो जनरल में क्या होता है, इसका बैकग्राउंड कलर बोलता है कि भाई प्रॉपर्टी है, इसमें बैकग्राउंड कलर आपको क्या डालना है, तो हमने गाइस इसमें येलो डाला हुआ है। आप इसके अलावा और भी कलर चेंज कर सकते हैं, देखो ग्रीन हो गया है। इसके अलावा ये अलाइनमेंट बोल रहा है कि भाई अलाइनमेंट क्या रखना है, आपको जो टेक्स्ट डालना है, जो डाटा फिल करना है, वो हमने इसमें मिडल सेंटर डाल रखा है। इसमें आपके पास कई ऑप्शन है, 8 ऑप्शन होंगे, जो टॉप टॉप लेफ्ट में, टॉप सेंटर में, टॉप राइट में, टॉप लेफ्ट में, मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर, मिडल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, गाइस इतने ऑप्शन आपको मिलते हैं, इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। तो मैंने मिडल सेंटर रखा है गाइस। नेक्स्ट है इसका फॉर्मेट क्या है आपका, फॉर्मेट वही है अभी हमने गाइस आपको बताया था, ये फॉर्मेट जनरल है। इसका डाटा जो है आप यहाँ से डाटा लेवल इसके बारे में, और नेक्स्ट है गाइस मार्जिन, ये मेन चीज है। तो आप इसमें हॉरिजेंटल मार्जिन कितना रखना चाहते हो, वर्टिकल मार्जिन कितना रखना चाहते हो, तो यहाँ पे ये मार्जिन हमने दिया हुआ है 0.06, और वर्टिकल मार्जिन सेम है गाइस, जिससे हमें दिखाई देने में भी काफी अच्छा लगेगा। तो इसके अलावा आप इसका मार्जिन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। देन उसके बाद आप यहाँ पे मर्ज सेल ऑन रो कॉलम क्रिएशन,
यहाँ पे जाके इस पे क्लिक करके आप इसमें और भी तरह की सेटिंग कर सकते हो और देन उसमें आप ओके कर देंगे तो इस तरह से आपके पास ये बनके रेडी हो जाएगा। यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे मॉडिफाई को तो आपके पास ये सेम एज ड्राइंग आ जाएगी। तो ये जो आपके पास गाइस टाइटल हेडर और ये डाटा लिखा हुआ है, आप घबराने वाली बात नहीं है, आप घबराइए नहीं क्योंकि ये डाटा सब हट जाता है, आपको एक मिलता है ब्लैंक सीट, ब्लैंक एक्सेल सीट जिसपे आपको स्वयं काम करना होता है गाइस। देन इसके ऊपर ओके कर देंगे तो आपके हाथ आपके कर्सर के साथ ही ये एक सीट निकल के आ गई जिसमें हमने जितनी रो डाली थी उतनी रो है, जितनी कॉलम डाले थे उतने कॉलम है, बाकी जैसा कलर किया था वैसा कलर है, सारा कुछ है, चेंज कुछ नहीं हुआ गाइस। अब यहाँ पे ये एक आपको पूरा जो कि एक्सेल फॉर्मेट मान लो या अपना एमएस ऑफिस का जो वर्ड ऑफिस होता है उसकी तरह से ये पूरा बन के आ जाता है यहाँ पे। तो आपका ये टेक्स्ट वगैरह है एडिट करने के लिए, अलाइन करने के लिए पूरा यहाँ पे दिया जाता है। तो आप कुछ भी टाइटल यहाँ इसका दिया है तो टाइटल वगैरह है, जो कुछ भी डिस्क्रिप्शन है और यहाँ का डाटा वगैरह है, जो कुछ भी यहाँ पे फिल करना हो आप कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो लंबा हो रहा है, इसके बाद आप यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे और जहाँ पे भी अपनी ड्राइंग के साइड में आपको लगाना हो इसका जो डाटा, इसका जो विंडो है, विंडो का साइज है, वो सारा कुछ इसके अकॉर्डिंग सीट के अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं, यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ये वाला सेल है आपका जो टाइटल के लिए रखा था, फिर ये हेडर के लिए, उसके बाद ये आपके जो है उसके लिए डाटा के लिए है। तो इस तरह से आप इसमें मेंशन कर सकते हैं गाइस। इसका जरूरी नहीं है बैकग्राउंड कलर वगैरह हटाना हो तो सिंपली आप यहाँ से भी हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। इसको पुनः एडिट करना हो या टेक्स्ट डालना हो सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और ये पूरा आपका रेडी हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसमें फिर से टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो गाइस। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं मॉडिफाइड टूल बार के बारे में। तो गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे रिलेटेड सारे वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच के आप वीडियो को देख पाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग दिस।